गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हम लोग भाषा पहले ही पढ़ चुके हैं, भाषा के बारे में हम लोगों की को जानकारी मिल चुकी है। अब हम लोग भाषा के बाद दूसरा चैप्टर, दूसरा अध्याय वर्ण परिचय पढ़ते हैं। वर्ण परिचय, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं अ आ हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ, तो इस तरह से क ख ग घ च ट जो भी पढ़ते हैं, जो भी ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं वो सब वर्ण के अंतर्गत आते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण वो ध्वनियां होती है जिनका कोई खंडन न किया जा सके, जिसका कोई भी भाग नहीं किया जा सके, जिसे खंडित नहीं किया जा सके, वैसी ध्वनि वर्ण कहलाती है। तो वर्ण किसे कहते हैं, वह ध्वनि जिसे खंडित न किया जा सके, खंडित नहीं किया जा सके, वर्ण कहलाती है। तो वर्ण किसे कहा गया, वह ध्वनि जिसे खंडित नहीं किया जा सके वर्ण कहलाती है, या हम लोग कह सकते हैं जिसके टुकड़े ना किए जा सके, खंडन मतलब टुकड़ा करना। नहीं किए जा सके वर्ण कहलाती। अब यहां पर दोनों ही समान परिभाषा है कि वह ध्वनि जिसे खंडित नहीं किया जा सके वर्ण कहलाती है, या जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके वह वर्ण कहलाती है। दोनों ही सेम, एक ही परिभाषा है, दोनों समान परिभाषा है, खंडित करना या फिर टुकड़े करना, दोनों ही समान है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से खंड नहीं किया जा सकता है। एक शब्द हम लोग लेते हैं कमल, यहां पर शब्द है कमल, कमल में ध्वनियां
ये इतरी ध्वनियों से मिलकर ये शब्द कमल बना हुआ है। क क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ, तब इतनी ध्वनियां मिलकर ये कमल बनी हुई है। ये सभी ध्वनियां वर्ण कहलाती है, ये सभी ध्वनियां वर्ण कहलाती है, क्योंकि इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यह सबसे छोटी इकाई हो गई, इससे छोटा रूप और कुछ भी नहीं हो सकता है। जब वर्ण आ गया तो वर्ण से वर्णमाला बनती है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो किसी भी भाषा में वर्णों के उचित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं, किसी भी भाषा में वर्णों के उचित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों को जहां पर हम लोग सजा कर रख सकते हैं, जहां पर सजा हुआ मिलता है, वही वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णों का उचित क्रम वर्णमाला कहलाता है। चाहे ये किसी भी भाषा में, हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, उर्दू में हो, किसी में भी हो, ये वर्णों का जो उचित क्रम होता है वही वर्णमाला कहलाता है।